इंडिया और चाइना के बीच बहुत सालों से बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, जहां चाइना अक्सर चीन के ज्यादातर हिस्सों को और अरुणाचल प्रदेश को चाइना का हिस्सा क्लेम करता है। इनफैक्ट अभी कुछ रिसेंट ईयर्स में चाइना बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया है और चाइनीज मिलिट्री फ्रीक्वेंटली इंडियन टेरिटरी में घुसते रहती है, स्पेशली इन द तवांग रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सो द क्वेश्चन कम्स दैट आखिर चाइना अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करने में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है, आखिर इसके पीछे उनके मोटिव्स क्या है और इंडिया इस चीज को कैसे काउंटर कर सकता है, आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है देन इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं देन फील फ्री टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नाउ नॉट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चाइना ये रीजन देते हुए अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है दैट तवांग मोनेस्ट्री जो अरुणाचल प्रदेश में है और लासा मोनेस्ट्री जो तिब्बत में है, इन दोनों के बीच एक समय हिस्टोरिकल टाइज हुआ करते थे। और क्योंकि अब तिब्बत चाइना का हिस्सा है इसलिए अब अरुणाचल प्रदेश भी चाइना का हिस्सा होना चाहिए। इसके साथ साथ चाइना ये भी बोलता है दैट सिक्स दलाई लामा सांग्यांग यात्सो तवांग में बॉर्न हुए थे और इसी की वजह से अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का पार्ट है, दैट मेक्स इट ए टेरिटरी ऑफ चाइना। बट चाइना इंडिया के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर इसके पीछे उनके मोटिव्स क्या हैं? वेल, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, चलिए जानते हैं। नंबर वन, द तिब्बत फैक्टर। तवांग के अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रॉन्ग और विजिबल तिब्बतन प्रेजेंस है और यहाँ के लोग पैन तिब्बतन मूवमेंट में हिस्सा लेकर चाइना पर प्रोटेस्ट करते हैं अक्रॉस द इंडो चाइना बॉर्डर्स। और चाइना इस मूवमेंट से थ्रेटेंड फील करता है कि कहीं ये बात वर्ल्ड स्टेज में ना उठ जाए। द फियर्स ऑफ दिस मूवमेंट आर विंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ दलाई लामा एंड द तिब्बतन गवर्नमेंट जो धर्मशाला में रिसाइड करते हैं। नंबर टू, द ज्योग्राफिकल फैक्टर। अरुणाचल प्रदेश और स्पेशली तवांग रीजन चाइनीज कंटेक्स्ट से एक मेजर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी के कारण अरुणाचल प्रदेश भूटान के ईस्टर्न साइड को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और इसे प्रोटेक्ट करता है। बट अगर चाइना तवांग रीजन को कैप्चर कर लेता है तो भूटान चाइना से घिर जाएगा, जो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके साथ साथ अगर फ्यूचर में इंडिया का चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो अरुणाचल प्रदेश सबसे शॉर्टेस्ट रूट है चाइना से इंडिया आने के लिए और इसी की वजह से इंडिया के लिए इस जगह का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर फ्यूचर में कभी चाइना इंडिया के ऊपर एयर स्ट्राइक करता है तो अरुणाचल प्रदेश वुड प्रोवाइड इंडिया विथ मल्टी लेयर डिप्लॉयमेंट्स ऑन द ग्राउंड जो चाइना के लिए एक ऑब्स्टेकल की तरह काम करेंगे, जो चाइना के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड नंबर थ्री, द सिलीगुड़ी कॉरिडोर फैक्टर। हम सभी को पता है दैट सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे इंडिया का चिकन नेक कॉरिडोर भी कहा जाता है, वो इंडिया के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है क्योंकि ये कॉरिडोर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करता है और चाइना इस कॉरिडोर को ब्लॉक करना चाहता है ताकि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया मेनलैंड इंडिया से पूरी तरह से अलग हो जाए। और अगर चाइना तवांग रीजन को कैप्चर कर लेता है तो इट वुड गिव चाइना एन ईजी एक्सेस टू द सिलीगुड़ी कॉरिडोर विच इज़ ए मेजर थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी। इसके लिए चाइना नॉर्थ ईस्ट इंडिया के वेरियस इंसर्जेंसी ग्रुप्स को फंड करता है ताकि ये ग्रुप्स इंडियन गवर्नमेंट से लड़े। इनफैक्ट चाइना सारीचू रिवर के बैंक्स में एक विलेज डेवलप कर रहा है जो इंडिया और चाइना के डिस्प्यूटेड रीजन में लाई करता है। कुछ रिपोर्ट से बताती है डेट इस विलेज में 100 से भी ज्यादा घर हैं। सो चलिए अब जानते हैं डेट इंडिया चाइना को रोकने के लिए अब क्या क्या चीजें कर सकता है। व्हाट्स इंडियाज काउंटर फॉर दिस। इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स, इंडिया को सिलीगुड़ी कॉरिडोर में बेस्ट पॉसिबल डिफेंस इंस्टॉल करना चाहिए। दे मस्ट डोमिनेट द होल ऑफ द चंकी वैली वेयर द सिलीगुड़ी कॉरिडोर लाइज। इसके साथ साथ इंडिया को हर समय प्रिपेयर रहना चाहिए टू काउंटर एन एयर अटैक बाई चाइना। इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर रोड्स ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है और इसी की वजह से इंडियन आर्मी को वहां वेपन्स और लॉजिस्टिक्स पहुंचाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है एंड इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। इंडिया को इन सारे फैक्टर्स को सीरियसली लेते हुए एक इमीडिएट मेजर लेना होगा टू इंप्रूव द सिचुएशन। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे काम शुरू कर भी दिया है। उन्होंने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है विच इंक्लूड्स रोड्स एंड ब्रिजेस। अदर फैक्टर इज इंडियन गवर्नमेंट को अरुणाचल प्रदेश के लोगों का ट्रस्ट जीतना होगा। ऐसी बात नहीं कि वहां के लोग इंडियन गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं करते हैं, दे डू दैट थिंग, बट लैक ऑफ डेवलपमेंट की वजह से कभी कभी वहां के लोगों को नेग्लेक्ट फील होता है। द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ सफिशिएंट पावर सप्लाई, एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ केयर एंड सर्फिस कम्युनिकेशन। ऑल्दो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ के डेवलपमेंट के लिए पैसे स्पेंड किए हैं, बट जब बात प्लान के एग्जीक्यूशन की आती है तो इट हैज ऑलवेज रिमेन इनएडिक्वेट। हिंस इंडियन गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना होगा डेट ये सारे प्लान्स ठीक से एग्जीक्यूट हो ताकि यहाँ के लोकल लोगों को निग्लेक्ट फील ना हो, ये फील ना हो डेट हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए केयर ही नहीं करती है। और इस बात को ज्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप इंडिया के ऊपर ऐसे और इंपॉर्टेंट टॉपिक से वीडियोज देखना चाहते हैं देन वॉच दिस वीडियोज विच आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू।
एंड नाउ अंटिल नेक्स्ट टाइम बी द चेंज।